गर्ल्स कैसे आप सब मिलकर सब ठीक होंगे। आप लेटा में जा रही हूँ, मैं आई हूँ मम्मी के पास। मम्मी बुला दी कब से, मुझे मम्मी बुला कर रही है बर्तन वॉश है। मम्मी हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हो? ठीक। क्या कर रही हो? वॉशिंग। ठीक है, बस ये रह गया ना। तो आज मम्मी कुछ बनाए लगी है। मेरी कज़न आई हुई है, तो क्या बना रहे हो? तंदूरी पास्ता। तंदूरी पास्ता, ठीक है। तो मैं तो कभी देखा नहीं, बस देखेंगे भी और खाएंगे भी, ठीक है। ये चीज़ें इसे लेके आए, देख सकते हैं आप, कटिंग वटिंग करेंगे तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी मैं, ठीक है। तो मिलवाती हूँ कज़न के साथ, ठीक है। तो उनसे भी रहे। ये हैं सविता। तो आज मज़ेदार सी डिश बनने वाली है, तो देखते हैं कैसी होती है। तंदूरी पास्ता तो वो आपको मिलेगी सबीता के चैनल पे, ठीक है। तो सबीता आपके चैनल का नाम क्या? लाइफ फॉर सबीता। लाइफ फॉर सबीता, मैं भूल जाती हूँ यार मैं ना। तो इनसे मिलेगी मैं। आपने वॉच करनी है, फुल वीडियो वॉच करनी है, तो वॉच करनी है। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, बहुत अच्छी डिशेज बनाती हैं और बहुत अच्छी केक बनाती हैं, ठीक है। तो अभी आने वाला है ईस्टर, ईस्टर पर किसी ने ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सही ओके। तो इनका इंस्टाग्राम भी है सबीता के नाम से, पिंकी भट्टी, पिंकी भट्टी के नाम से है, ठीक है। तो आप इनके इंस्टा पर जाके इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, मोमी राज को जाके इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, देखते हैं ये लोग क्या अभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी पानी बॉयल हो रहा है। पानी बॉयल हो रहा, इसमें क्या करना? इसमें हम अपना पास्ता डालेंगे। चाहिए पास्ता आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, हमने यहाँ पे एज यूजुअल जो नॉर्मली यार बॉयल लगाकर फ्राई का बॉयल का स्मेल ना आएगी। नहीं नहीं, ये बॉयल करते हैं बेटी कि ये और मैं चिकन निकाल कर रही हूं। अच्छा, तो इसको बॉयल करेंगे तो उसके बाद ये फ्राई करेंगे। ओहो सॉरी, मुझे क्या पता ओपन किया तुम लोगों ने। तो ये चिकन भी है और ये सॉसेस हैं और ये गार्लिक है और ये वेजिटेबल्स हैं। फ्राई भी कच्चा पनीर कैसे बनता है? तो ये भी क्या करने लगी आप? ये हम लोग मसाला इसका बना लेते हैं। अच्छा ठीक है। तो पोमी मुझे रोज़ बुलाती है ऊपर, कहती मेरा तुम्हारे बगैर दिन नहीं लगता ये वो, तो और मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे मैंने बोला मैं घर ले रही हूँ, तो कहती नहीं तुम मेरे साथ रहो। है पोमी बताओ जरा व्यूवर्स को, और व्यूवर्स पूछते हैं कि पोमी आपकी सगी बहन है या कज़न है, आप बता सकती हैं? सगों से ही बड़ी है। हाँ हम सबकी बड़ी है। चले जी, अब यहाँ पर हमने अपना पैन रख दिया, तो मैं ये मुझे पूरी बॉईल करना, मुझे नहीं फ्राई करो ये फ्राई। तो यही वाली रेसिपी में हम इसको बॉईल करेंगे पहले, उसके बाद फ्राई करेंगे ना। अच्छा हाँ, बट मैं तो चाह रही थी कि पोहा हो जाए। ऑयल डालो इसमें, हम डाल देते हैं पानी, हम इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा, पहले लाइट से बॉईल करना ना, ठीक है। तो इसको भी लाइट से बॉईल करना, ठीक है। कट कर लेंगे ना, पीसेस में छोटे पीसेस कर लेंगे। तो चिकन भी ना बहुत ज़्यादा महंगा, 5 से 10 मिनट के लिए जो है बॉइल कर लेंगे। हाँ आटे से भी ज़्यादा हो, आटे के बराबर हो गई है ना। हाँ चलो फिर, तब तक ये बॉईल होती है तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में। बॉईल हो रहा है ठीक है, और ये क्या है इसको भी करेंगे बॉईल, इसको थोड़ा सा करिए ताकि कच्चापन नहीं रहे ना फ्राई होने के बाद। वैसे कुछ फ्राई होने के बाद भी कर लेते हैं, पर मैं थोड़ा इजी वे में जा रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा ना ये कुक हो जाए, फिर उसके बाद इसको फ्राई कर लें, टाइम नहीं लगे फ्राई में। तो ये इजी है रेसिपी है ना वैसे? हाँ, पर लास्ट में जो इसकी चीज़ हमने करनी ना वो मस्ती के तंदूरी का पता चलता है। अभी तक सिंपल जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ये हमारी लड़की के मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ये मेरी फेवरेट चीज है। और ये हमारी इकलौती सा मम्मा। और ये इसके पीसेस भी किए हैं वो एक्चुअली, ताकि उसमें ना लुक वाइज सही लुक आए। अच्छा, तो इसके पीसेस करके ना इसको फ्राई कर रहे हैं ऑयल में ना। और इसमें क्या रखी है आपने? गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, ठीक है। तो ये सॉसेस भी जाएंगी, सॉसेजेस, टमाटो केचप भी, वो तो लास्ट में रहेगा ना। तो आज मज़ेदार हम खाएंगे, इसका वेट करेंगे जब तक इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर ना। तंदूरी पास्ता थंबनेल नहीं, दोनों का।
आई होप मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है आपने। आई होप कि मेरी गाजर गल चुकी है। तो 9 तारीख को है सलमान भाई का इवेंट, हम लोग वहाँ भी जा रहे हैं और मैं इसको भी लेके जाऊंगी। तो जिस किसी भी हमसे मिलना हो तो 9 तारीख को आ जाइएगा, हम जा रहे हैं इवेंट पे। तो 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे हमारा वे। 4 ना फा खट्टा होएगा ही। नो हाँ नहीं नहीं हो। सोया सॉस वगैरह पहले तो पड़ी हुई थी। तो हम इसको कम यूटिलाइज करेंगे, तो इनको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा दादर मालन कहते हैं, दादर फादर कहते हैं पंजाबी में, मोटी मिर्ची पंजाबी में बोलते हैं। अभी रुक जाए इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को डालते हैं। तो आज कुकिंग कर रही है मिस सबिता, सबिता व्लॉग, सबिता व्लॉग आधे तेरी वीडियो बनाओ। अच्छा सबिता भी हमारे साथ जाएगी, सलमान भाई की कॉल आई थी तो प्रोग्राम पे जाना है हमें 9 तारीख को। तो मम्मी कौन सी ड्रेसिंग करूँ? हाँ नहीं 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 मॉल के में जितनी गर्मी हो गई एक चम्मच भर के थोड़ा सा ऑर्डर नहीं वो नहीं ज्यादा हो जाएगा पास्ता भरी मिर्ची बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। और ये ज्यादा स्पाइसी भी नहीं होती ना। हाँ लाइट सी होती है। तो ये आधा स्पून जो है ये डालेंगे। ये भी हमारी मिर्च कहते हैं रेड ना, शेफ हैं तो वो अपने रिकॉर्डिंग की टेस्ट के जो उनको पसंद है वो उसको डालेंगे। थोड़ी सी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे तो पैन रोक लें तंदूरी पानी। तो ये मिक्सिंग हो रही है, चलो तंदूरी डालें। फोन ब्लो बनाओ ना, शान ब्रांड का है, इजीली ब्रांड का आपको इजीली मिल जाता है, नेचुरल का भी डाल सकते हैं। इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूं मैं शान का, ताकि रेडिश मजेदार खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। आई होप आप लोग हमारी कुकिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और आप भी घर में लाओ भी ट्राई कीजिए। ठीक है तो ये अभी इसमें मैक्रोनी पास्ता डाल देंगे, केचप वाले खट्टा खट्टा हो गए तो अभी वो मिक्स होने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा तंदूरी मसाला डालो, तंदूरी मसाला डाला और डालना है थोड़ा सा डालो, कम कम लग रहा है उसको। तो ये शान का तंदूरी मसाला मैंने यूज़ किया था, उसको कम लग रहा है, थोड़ी स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करती है तो उसके साथ अब हमारा जो लास्ट है वो हमारा होगा कोयला, जिसको हम जो है थोड़ा सा पका लेंगे फिर उसके दम पे रखेंगे, फिर दम में जो है उसको भी रखते हैं। मेरे जैकेट से चलो हेलो हेलो कैसे हो कैसे हो क्या ना मुझे उठाओ आजा कम बेबी कम बेबी कम बेबी कम बेबी कम बेबी।
बंद कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो फिर हमारा क्या हो रहा है, ये तंदूरी पास्ता के जो लास्ट इंग्रेडिएंट है उसको यूज कर रहे हैं, जो सरप्राइज था सबके लिए। कटोरी फाड़, वो पड़ी हुई है कांच की ले लो, वो नहीं ये उतरे रखाएंगे मम्मी, वो फाड़नी उसके ऊपर रखना पहले, उसको उसके अंदर रख, उसके ऊपर रख दे वो पागल है ये तो। अब ये हमने कोयला रख दिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये धुआं जो है ना वो ज़्यादा जो है वो नज़र आए। बाप रे हाँ थोड़ा सा बिल्कुल सा, आई होप आई कैन शो यू, जगह नहीं मिल रही तंदूरी पास्ता रेडी हो चुका है, निकालेंगे इसको प्लेट में सर्व करेंगे और सबको देंगे, ठीक है। मैक्रोनी ज्यादा है अभी, हम ना उनको मैक्रोनी तंदूरी पास्ता, तंदूरी पास्ता सॉरी। तो दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, तो अभी रोमी चेक करके बताएंगे कि कैसा टेस्ट भाई को टेस्ट करवाते हैं, बनाया किसने, बताएं कि बना क्या है और इसमें ये इन दोनों ने बनाया है, पोमी और सबीता ने दोनों ने मिलकर। तभी ये चेक करेंगे अंदर कुछ भी हो हमने खाने से मतलब है, जायका अच्छा। तभी चेक करेंगे मिस्टर रोमी, ये लो 1 2 3 गो लेट्स सी। नहीं लग रहा था मुझे, देखिए नहीं आपने ये बताना है इसमें क्या-क्या चीज हमने इंक्लूड की है, क्यों पता चलेगा, जज जाइए। हाँ ये फैसला लेंगे कौन कौन सी चीज का फ्लेवर आ रहा है, क्या तंदूर का आ रहा है टेस्ट, आ रहा कोले का आ रहा ना, कैसे बने ब्लैक पेपर है, मिर्ची है, रेड वाली मजेदार बना, चिली चिली वाली है, खट्टा तो नहीं है, कितना नहीं नॉर्मल है, सही तंदूरी टेस्ट आ रहा है। वाओ हम कामयाब, चलो पास हो गया, पास हो गया तुम दोनों, ठीक है। और हमें 10 out of कितनी मिलेंगे नंबर, सोच समझ के, एक जगह बीवी एक जगह बहन 9 क्यों 1% क्यों रह गया, हर का से कुछ ना कुछ कमी है इसमें, बस वो तो उस मुताबिक है ही नहीं ना एक हिसाब से देखा है, लेकिन जो टेस्ट है 10 में से 9% का मिल रहा है, एटीट्यूड आ जाएगा लड़कियों में, कैचअप ला दो, कैचअप डालो तो फिर 100 हो जाएगा, बना बहुत यम्मी बना यार। हाँ बस वो ये, चलो मिलेंगे हमें नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, 2 मिनट का व्लॉग बन गया हमारा, बाय।